दो राज्यों में चुनाव हुए, हिमाचल और गुजरात। हिमाचल में हम चुनाव हारे नहीं, बदलाव होते रहा है वहां, लेकिन हम 1% मत के अंतर से केवल चुनाव हारे हैं। इसलिए मैं हिमाचल की जनता को भी धन्यवाद दूंगा, लेकिन गुजरात ने जो इतिहास रचा है, गुजरात की जनता ने गुजरात के अपमान का बदला लिया। मोदी आज गुजरात के लिए एक आन मान शान है। आज मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस आज वहां मात्र 17 सीटों पे अटक गई है, और वो 17 सीट मत प्रतिशत भी 18% उसके मत गिर गए। ये आत्मचिंतन का है। एक बहुरूपीय भी वहां गए, बहुरूपीय को भी उन्होंने तो कह दिया था मैं ही सरकार बना रहा हूं, उनको भी जनता ने वहां से बाय बाय करा दिया। मैं हिमाचल और गुजरात की जनता को, गुजरात के नौजवानों को कोटिशा धन्यवाद देता हूं। गुजरात ने अपने अपमान का बदला लिया, अपने स्वाभिमान के साथ वोट डालने का काम किया। गृहिणी की जनता को कोटिशा धन्यवाद देता हूं। मैंने चुनाव में कहा था कि किसी राजनीतिक दल के पास वोट नहीं होता, जनता के पास वोट होती है, और जनता ने बढ़ चढ़ के नीतीश सरकार के कुनीतियों के खिलाफ वोट दिया। और बिहार में 3 उपचुनाव में 2 उपचुनाव में नीतीश कुमार को मुंह की हार खानी पड़ी। ये बिहार की जनता, कुरहनी की जनता से तमाम सारे लोगों को कोटिशा धन्यवाद देता हूं। अहंकार में ना रहे, वोट जनता के पास है, किसी पार्टी के पास नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।